हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। ठीक है, अब सांख्यिकी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब हम बहुलक के बारे में सांख्यिकी में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब देखिए, अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु मान की आवश्यकता है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। बारंबारता कहाँ केंद्रित होगी? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु के चारों ओर। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यदि याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। अर्थात हम कैसे लेते हैं वर्ग चिन्ह को? आपकी ऊपरी सीमा जिसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट प्लस हम क्या लेंगे? लोअर लिमिट। जैसे सपोज मान लीजिए यहां पर मैं एक आपको वर्ग अंतराल ले लेता हूं, मैं इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस इंटरवल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में मैंने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पर क्या ले लिया? 30 to 40 या 40 to 50। अब हमारा जीरो क्या है? इसकी लोअर लिमिट। क्या हो गई? लोअर लिमिट। और 10 क्या हो गई? इसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि ये तो इसकी ऊपरी वर्ग सीमा हो गई और इसकी निचली वर्ग सीमा हो गई। इन दोनों को हम अगर एड ऑन कर देंगे तो 0 plus 10 upon 2 तो हमारा क्या आ जाएगा? 5। तो हमें क्या पता चला? ये इसका क्या है? मध्यमान। मध्यमान या मध्य बिंदु हम इसको बोल सकते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 9th से याद कीजिए कि बहुलक मोड को दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, सबसे अधिक बार जो किसी श्रेणी में आएगा वो क्या होगा? हमारा बहुलक होगा, जिसको हम मोड बोलते हैं। अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी पारंबारता अधिकतम है। साथ ही हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक को ज्ञात करने की भी चर्चा कक्षा 9th में की थी। यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करेंगे। अतः संभव है कि एक से अधिक मान की से अधिक पारंबारता हो, वो होगा हमारा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आंकड़ों को बहुलकीय आंकड़े कहा जाता है, मल्टी मॉडल। क्या बोला जाएगा? मल्टी मॉडल। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़े भी बहुलकीय हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं के तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे? मोड, ओनली मोड। हम इस पर मल्टी मॉडल को ज्ञात नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं यहां पर हम आपको दिया है उदाहरण नंबर 4। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। आपको दिख रही होगी, यहाँ 2 है, 6 4 5 0 2 1 3 2 और 3। तो 10 विकेट मैचों के लिए ली गई है। ठीक है, इसमें अलग अलग है, देखिए कितने लिए गए हैं। और आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आप जानते हैं बहुलक कैसे ज्ञात होगा? ठीक है, क्या ज्ञात करना है? आंकड़ों का बहुलक। अब हल देखिए, आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। पहले विकेट ले लेते हैं हम, फिर मैचों की संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो विकेट हमें दिए गए, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी सीरियल नंबर हो गए। फिर क्रिकेट मैचों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 1 1 3 2 1 1। और ये आप कैसे पता चला हमें? 6 कितनी बार आया है आपका? वो विकेट मैचों की संख्या आ जाएगी, एक बार। आपका 5 कितनी बार आया है? एक बार। 4 कितनी बार आया है यहाँ पर? एक बार ओनली। 3 कितनी बार आया है आपका? दो बार। एक बार 3 यहाँ पर आया है, एक बार 3 यहाँ पर आया है। 2 कितनी बार आया है आपका? 3 बार। अब देखिए, 1 2 और ये आपका 3। तो हमारे 3 रहा ले लिया। 1 कितनी बार आया आपका? सिर्फ एक बार यहाँ पर आया। और 0 कितनी बार आया आपका? एक बार। तो 0 को हमने एक बार ले लिया। अब जो अधिकतम होगा वो हमारा क्या होगा? मोड होगा। स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों में 3 में से 2 विकेट लिए हैं।
अतः इन आंकड़ों का बहुलक क्या है आपका? दो है। कैसे? दो का सबसे ज़्यादा बहुलक क्या है? तीन। तो तीन मैचों में दो विकेट लिए हैं, इससे हमें क्या पता चला? इसका बहुलक क्या हो गया? दो। अतः वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें संभव नहीं है, यहाँ हम केवल वर्ग क्लास ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी बारंबारता अधिकतम है इस वर्ग को बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास, जिसमें वर्ग क्लास इंटरवल हम निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग उसको ले लिया जाएगा। और बहुलक इस बहुलक वर्ग के अंदर ही कोई माना मान है, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए कौन सा सूत्र है जिससे हम उसे ज्ञात कर सकते हैं बहुलक को। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? आप लेंगे एल, एल वन हो गया हमारी लोअर लिमिट यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? एफ वन माइनस एफ ज़ीरो बटे में क्या आ गया आपका? टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू, ठीक है। तो ये पूरा क्या आ गया आपका? इनटू में एच। अब एफ वन और एफ टू क्या है? तो एफ ज़ीरो क्या हो गई? सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई वो एफ वन हो गई, उससे नीचे क्या हो गई? एफ ज़ीरो, और उससे ऊपर क्या हो गई? एफ टू। अभी हमें क्वेश्चन करेंगे उससे पता चल जाएगा। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। एच क्या है? एच वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल मापों में एक हैं। अब एफ वन क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या? फ्रिक्वेंसी। एफ ज़ीरो क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले ही वर्ग की बारंबारता, तो इससे पहले वाली एफ ज़ीरो हो गई। और एफ टू क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो एफ एफ वन के नीचे क्या हो गई? एफ टू। तो हमारा किस तरीके से बना? यहाँ पर हमने लिया एफ वन, इसके ऊपर वाला एफ ज़ीरो, और इससे नीचे क्या हो गया? एफ टू। तो हमें एफ वन देख रही है जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हम देखते हैं अभी क्वेश्चन में करके, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है उदाहरण नंबर पाँच। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुए? परिवार की माप, क्या क्या है? 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 10। कितने कितने का आपको डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है? दो दो का आपको इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये क्या आपकी सतत श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें देखिए परिवारों की संख्या आपको दी गई है कितनी। ऐसे 7 परिवार हैं जिनकी माप क्या है? 1 से लेकर 3 तक के बीच में। ऐसे 8 परिवार हैं जिनकी संख्या 3 से लेकर 5 तक के परिवार हैं। और ऐसे 2 परिवार हैं जिनकी माप क्या है? 5 से 7 है। ऐसे 2 हैं जिनकी 7 से 9 है। और ऐसा सिर्फ 1 परिवार है जिसकी 9 से 11 के बीच में है। तो अब क्या करना है आपको? आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है यहाँ पर? यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है? 8 है, दिख गई होगी। हाईएस्ट नंबर क्या हो गया यहाँ का? हाईएस्ट नंबर क्या हो गया? 8। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो ले लेंगे, तथा इसके वर्ग का वर्ग अंत कितना है? 3 और 5। इसके सामने वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3, 5। अतः बहुलक वर्ग 3 और 5 में है, ठीक है। 3 और 5 में क्या है? बहुलक वर्ग आ गया आपका, ठीक है। अब क्या लगाएंगे इसके लिए? हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। बहुलक वर्ग कितना है? 3 से 5 तक के लिए है बहुलक वर्ग, जिसमें आपकी निम्न सीमा क्या है? L1 क्या है? 3, ठीक है, L2। और H कितनी दे रखी है आपको? 2 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर ये निम्न सीमा है और ये क्या है? अपर लिमिट। क्या है? अपर लिमिट। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी हो गई आपकी? 8। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 कितनी हो गई आपकी? 7। बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2, F2 कितनी आ गई आपकी? 2। ये आपने देखा ही होगा। आइए इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें। हम ज्ञात करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है? बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या हो गया आपका? L प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो, एल वन हो गया हमारा ये, और ये क्या हो गया? टू एच, टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये आपका क्या हो गया? इंटू एच। तो अब देखिए 3 प्लस ये क्या फार्मूला हो गया आपका? 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, ये क्या आ गया? इंटू में 2। एच कितनी आ गई यहाँ पर? 2। तो क्या हो गया? 3 प्लस 2 अपॉन 7, तो क्या हो गया? 3.286। इतना आपको समझ में आया। अब क्या है? अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक कितना निकल कर आया आपका?
3.286, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उदाहरण नंबर 6, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, मोड। क्या निकालना है, बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड। साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। इसकी माध्य और बहुलक दोनों निकालने हैं हमें यहाँ पर, और दोनों की तुलना भी करनी है, और इनकी व्याख्या कीजिए, और इनके बारे में हमको बताना भी है। अब देखते हैं हम इसमें आगे। देखिए एक हल दिया हुआ है इसका, उदाहरण में उदाहरण एक की सारणी 14.3 को देखिए। चूँकि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7, तो इसका क्या है अंतराल, क्या हो गया आपका 40 से 55 तक का अंतराल दिया गया है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल की क्या हो गया, निम्न सीमा आपको पता है ये वाली होती है, जो आपकी पहले लिखी होगी वो क्या होगी, लोअर लिमिट, जो बाद में लिखी होगी वो क्या होगी, अपर लिमिट। क्या होगी, अपर लिमिट। 40 क्या हो गई हमारी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो हमारी लोअर लिमिट L1 कितनी हो गई, 40। आपकी वर्ग माप कितनी हो गई, 15। ठीक है, तो माप कितनी आ गई आपकी, H15। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F1 क्या है, सबसे बड़ी, उससे ऊपर आपका क्या आ जाता है, F0। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या हो जाती है, F0। कितनी हो गई आपकी, 3। इसी प्रकार बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाती है, F2। कितनी हो गई आपकी, 6। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं, अब सूत्र का प्रयोग करें और हमें क्या प्राप्त होता है, बहुलक। पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, L1 प्लस ये हमारा फॉर्मूला है F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H कर लिया आपने। यहाँ पर आपको वैल्यू पता थी L1 की कितनी थी, 40। F1 की क्या है, 7, F0 की 3, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 15। एच क्या हो गई आपकी, 15 में, तो क्या आ गया आपका, 52। तो बहुलक का अंक कितना आ गया आपका, 52। क्या आ गया, 52। अतः उदाहरण एक से हम जानते हैं कि माध्य अंक कितना है आपका, 62। ठीक है, तो माध्य अंक कितना था आपका, 62। अब क्या करना है हमें, दोनों का अंतर निकालना था। अतः अधिकतम विद्यार्थियों के अंक कितने हैं, बहुलक क्या हो जाता है, अधिकतम में क्या हो जाता है, मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। ये क्या आ गया आपका, अधिकतम में। तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए हैं, तो औसत में कितने किए, 62। और दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 10। क्या आ गया, अंतर। तो ये तो आपके विद्यार्थी कौन से, अधिक वाले हो गए, और प्रत्येक औसत वाले क्या हो गए आपके, एवरेज में, जिसको हम क्या बोल देंगे, मीन, हमारा आ गया 62। तो दोनों का अंतर कितना आ गया आपका, 10। तो बहुलक और हमारे मीन में अंतर है 10। ठीक है, तो आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा, आइए देखते हैं हमने किस तरीके से बनाया। देखिए पहले हमने देखी थी जिसमें एक्स सीरीज होती है आपकी एफ, ये किसी की क्या हो सकती है, एक्स, एक्स किसी की आयु हो सकती है, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, ठीक है, विद्यार्थियों की आयु हो सकती है, विद्यार्थियों के क्या हो सकते हैं, मार्क्स, ठीक है, और क्या हो सकती है, कोई आपकी माप हो सकती है, ठीक है, आपकी क्या हो सकती है, आयु हो सकती है, विद्यार्थियों की मार्क्स हो सकते हैं, माप हो सकती है, ये आपके क्या होगा, एक्स में, क्या होगा, एक्स में। एफ क्या हो गई, बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या हो सकती है, विद्यार्थियों की संख्या आ सकती है, बच्चों की संख्या आ सकती है, बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, बच्चों के अंकों की संख्या बारंबारता में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, ये आपकी एक्स सीरीज हो गई, ये आपकी एफ सीरीज हो गई, ठीक है। अगर आपको दोनों का निकालना है, क्या माध्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालना है, तो आप एक्स और एफ की क्या करेंगे, इनटू करेंगे। कैसे आएगा आपका फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो आप एफ का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मीन का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि बहुलक निकालना, बहुलक, बहुलक क्या होगा, मोड, तो मोड के लिए आप क्या होंगे, एक्स और एफ लेंगे,
और f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं 2, 3, 4, 5, 6 ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 9, 2, 3, 4, 7। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 9, तो 9 के सामने क्या है 2, तो 2 क्या हो गया बहुलक का आंसर, ये हो गया बहुलक का आंसर 2। इतना आप सबको समझ में आया, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।